सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, सैमसंग इंडिया के अंदर अपनी नई सीरीज लॉन्च करने वाला है जिसका नाम दोस्तों सैमसंग एप सीरीज होने वाला है। दोस्तों, सैमसंग ने इंडिया में अपनी एम सीरीज लॉन्च की थी जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन देखने को मिले थे जो कि दोस्तों मिड रेंज फ़ोन थे। तो दोस्तों उसी तरह इंडिया में सैमसंग अपनी एप सीरीज लॉन्च करने वाला है जिसमें दोस्तों आपको पहला मॉडल F41 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज हम इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फ़ोन कब लॉन्च होने वाला है, इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा और इसकी क्या प्राइस होने वाली है और दोस्तों क्या हमें इसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आपसे उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चले पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सैमसंग अपना एफ सीरीज का F41 8 अक्टूबर लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों इस फ़ोन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें हमें दोस्तों वही प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी जो हमें सैमसंग के और फ़ोनों में देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर इसके कैमरा की बात की जाए तो इसके रियर में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसका जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का होने वाला है जिसमें दोस्तों आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है जो कि दोस्तों आपको यूनॉच देखने को मिलेगा। दोस्तों ये फ़ोन एक मिड रेंज फ़ोन है तो इसमें हमें दोस्तों वही फीचर देखने को मिलते हैं जो कि हमें एम सीरीज कई फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस फ़ोन की प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें दोस्तों अगेन वही प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक्जीनोज का 9611 है। दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि ये प्रोसेसर ना तो ज़्यादा अच्छा है और ना ही ज़्यादा बुरा है। अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हो, आप अपने फ़ोन को ज़्यादा हैवी यूज नहीं करते तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप दोस्तों ज़्यादा हैवी गेम खेलते हो तब आपको इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें हमें एम सीरीज की तरह फिर से बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि दोस्तों 6000 mAh की होने वाली है। दोस्तों एफ सीरीज जो है एक मिड रेंज सीरीज है तो इसमें हमें दोस्तों ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसमें हमें दोस्तों वही फीचर देखने को मिलेंगे जो हमें एम सीरीज के फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इस फ़ोन में हमें बैक में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों हमें और फ़ोनों में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस फ़ोन की छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो इसमें हमें सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे जो कि दोस्तों हमें एम सीरीज में देखने को मिल जाते हैं। ट्रिपल कार्ड सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आप 2 SIM और 1 micro SD कार्ड आराम से लगा सकते हो। तो दोस्तों एफ सीरीज जो है एक मिड रेंज सीरीज होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको 14-15 तक के फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इस फ़ोन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन हमें 14-15 के अंदर देखने को मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों सैमसंग की जो एफ सीरीज है वो एक मिड रेंज सीरीज होने वाली है। लेकिन दोस्तों फ़र्क सिर्फ इतना है कि सैमसंग की जो एम सीरीज थी वो हमें अमेजन पर देखने को मिलती थी, लेकिन जो एफ सीरीज है वो आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जो एफ सीरीज जो है F41 जो फ़ोन है दोस्तों वो आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा ना ही आपको अमेजन पर मिलेगा, ये आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर आपको एक सैमसंग का फ़ोन चाहिए, अगर आप सैमसंग लवर हो, आपको सैमसंग के फ़ोन चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तब आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हो क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। वजह सैमसंग का एक नया फ़ोन है, एक नई सीरीज है दोस्तों, तब आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हो क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है हमें अगर वही मिलता है जो हमें सैमसंग के A50 में देखने को मिला था। तो दोस्तों जिस तरीके से ये फ़ोन आने वाला है उस तरीके से दोस्तों इसमें हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता क्योंकि दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है सेम गैलेक्सी A सीरीज की तरह है, जैसे कि दोस्तों हमें A50 में देखने को मिल जाती है, M31 में देखने को मिल जाती है, इसमें हमें दोस्तों कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। बस इसकी सीरीज नई है, इसका नाम नया है और दोस्तों इसमें हमें कुछ ज़्यादा देखने को ऐसा खास नहीं मिलता जिसके लिए हमें इसके लिए ज़्यादा वेट करना पड़े। लेकिन दोस्तों अगर आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हो और आपको सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है तब आप इस फ़ोन के लिए वेट कर सकते हो क्योंकि दोस्तों सैमसंग की नई सीरीज है तो हमें 1 या 2 फीचर ऐसे मिल ही जाएंगे जो हमें और फ़ोनों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि सैमसंग ब्रांड का हो और एक नया ब्रांड हो और दोस्तों नई सीरीज का हो तब आप इस फ़ोन के लिए वेट कर सकते हो क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन 8 अक्टूबर को लॉन्च होगा और उसे कुछ ही दिनों बाद आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहते हो तो बिना टेंशन नहीं कर सकते हो क्योंकि दोस्तों सैमसंग की सर्विस होती है वो हमें हर शहर में देखने को मिल जाती है, सर्विस सेंटर इसके दोस्तों आपको हर शहर में मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें सर्विस आपको अच्छी मिले और जो एक ब्रांडेड फ़ोन हो तब आप इस फ़ोन के लिए बैठ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें
और अमिताभ बच्चन सराहने की आए तो उसे ससुराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।